एवरीवन, आज हम कर रहे हैं मोडालियर कमीशन, जिसे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। ये 1952 में आई थी, 53 में इसकी रिपोर्ट को सबमिट किया गया था। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, रिकमेंडेशंस कौन कौन सी हैं और मेरिट और डीमेरिट्स क्या है, इसको वन बाय वन देखते हैं। 1952 से पहले बहुत सारी कमीशन्स आई, उसे अपॉइंट किया गया ताकि सर्वे किया जा सके इंडियन एजुकेशन का, लेकिन कोई भी ऐसी कमीशन नहीं थी जिन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर बात की हो। सेकेंडरी एजुकेशन हमारे पास आ जाती है 9, 10, +1, +2 हायर सेकेंडरी में आ जाते हैं, 6, 8 भी आ जाती है, तो उसके ऊपर, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर बात की गई थी, लेकिन इसके ऊपर बातचीत अपॉइंट करना चाहिए जो कि सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर सर्वे करे, उसकी कमियाँ क्या क्या आ रही हैं हमारे देश में, उसके ऊपर बताए, रिकमेंडेशन दे, रेमेडीज़ दे, ठीक है। तो उसका ख्याल करते हुए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने फिर एक कमीशन को अपॉइंट किया जिसे सेकेंडरी कमीशन कहा जाता है, ठीक है। लेकिन उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मोडालियर थे, इसलिए इस कमीशन को मोडालियर कमीशन कहा जाता है। तो वो कौन थे, वाइस चांसलर थे मद्रास यूनिवर्सिटी के। फिर इस कमीशन का जो था वो 6 अक्टूबर 1952 के अंदर किया गया, फिर इसका एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट को सबमिट कर दिया 29 अगस्त 1953 में, और इस रिपोर्ट के जो पेजेस थे वो 240 से 250 के बीच में थे। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के, सबसे पहले है इंक्वायर करना प्रॉब्लम और बैरियर्स को। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में जो प्रॉब्लम्स और बैरियर्स आ रही हैं उसकी जांच करना, फिर है सजेशन देना किस चीज़ के लिए, रीऑर्गेनाइजेशन और इम्प्रूवमेंट के लिए कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, फिर है टू स्टडी करना एम और करिकुलम का और कंटेंट का, कि कौन सा सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर कंटेंट पढ़ाया जाना चाहिए, क्या एम होना चाहिए, रिलेशनशिप क्या है सेकेंडरी एजुकेशन का प्राइमरी एजुकेशन से और हायर एजुकेशन से, और चेक करना कि एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा है सेकेंडरी एजुकेशन का, मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, टीचिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और ये सारी प्रॉब्लम्स की रेमेडीज़ क्या है उसको सजेस्ट करना। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के रिपोर्ट को सबमिट करने से पहले। ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के बाद जो रिपोर्ट सबमिट करी गई उसके आधार पर रिकमेंडेशंस दी गई कि जो जो कमियाँ थी, जैसे टीचिंग मेथड्स में कमियाँ पाई गई, ठीक है, करिकुलम के अंदर, तो उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने रेमेडीज़ दी रिकमेंडेशन के रूप में, तो वो देखते हैं। तो ये सारी रिकमेंडेशंस जो हैं वो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने दी थी। इसके अलावा इसके और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो कि मैंने इन्हीं रिकमेंडेशन के अंदर इंक्लूड कर दिया है, जैसे कि वोकेशनल आर्स हैं हमारे पास, इंस्पेक्शन है, तो इसके अलावा आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना लिखना इनफ रहेगा। इस सारे पॉइंट्स के अंदर सब कुछ मैंने इंक्लूड किया, तो वन बाय वन इसको देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं कि न्यू ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न के अंदर क्या है। तो इस कमीशन ने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखे जिसको उसने कहा कि रीऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। तो कौन से पॉइंट्स है, सबसे पहले उसने कहा कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसको 7 साल में डिवाइड किया जाए 2 पार्ट्स के अंदर, तो वो हम देखेंगे। जो प्री यूनिवर्सिटी कोर्स होना चाहिए यूनिवर्सिटी से पहले, और मल्टीपर्पज़ स्कूल्स के लिए सजेशन ये कि इसको हमें रीऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कमीशन कैसे डिवाइड किया जाए सेकेंडरी एजुकेशन। कहते हैं कि 7 साल की सेकेंडरी एजुकेशन हो और उसमें आगे 2 पार्ट्स हो, सबसे पहले जूनियर एजुकेशन हो जो कि 3 साल की हो जिसमें 6 से 8 क्लास के बच्चे आ जाएंगे, और हायर सेकेंडरी जो है वो 4 ईयर्स की हो जिसमें 9 से 12 क्लास के बच्चे आ जाएंगे। फिर वो कहता है कि जब बच्चा जो है यूनिवर्सिटी में एंट्री कर लेगा उससे पहले उसको एक प्री यूनिवर्सिटी कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही वो एंट्री ले पाएगा, और एंटर करने के बाद यूनिवर्सिटी कोर्स के बाद ही वो आगे प्रोफेशनल कोर्स कंटिन्यू कर पाएगा। फिर जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो कि आपने बहुत बार इस पॉइंट को देखा होगा, मल्टीपर्पज़ स्कूल्स, ये इस कमीशन की सबसे अच्छी बात रही कि इस रिकमेंडेशन को अप्लाई किया गया 1952 के बाद ही ये रिकमेंडेशन जो है अप्लाई होना शुरू हो गई थी हमारे इंडिया के अंदर, तो ये मोडलार कमीशन के कारण हुआ था। इन्होंने कहा कि बहुत सारे स्कूल्स खोले जाने चाहिए डिफरेंट टाइप के, जो कि डिफरेंट एम रखते हो, डाइवर्स एम रखते हो, इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, जिसमें वोकेशनल कोर्सेज स्कूल हो सकते हैं, टेक्निकल स्कूल्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चर स्कूल हो गए, रेजिडेंशियल स्कूल हो गए, को एजुकेशन जिसमें बॉयज़ गर्ल्स इकट्ठे पढ़ रहे हैं या अलग पढ़ रहे हैं, सेपरेट स्कूल्स हो गए, स्पेशल स्कूल्स हो गए जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए, गर्ल्स स्कूल्स हो गए, और स्पेशली गर्ल्स स्कूल में होम साइंस के ऊपर जोर दिया गया कि हर गर्ल्स जो है हर स्कूल में उनके लिए होम साइंस जो है वो होनी चाहिए। तो इस तरह से मल्टीपर्पज़ स्कूल की उन्होंने बात करी। फिर इस कमीशन ने करिकुलम को भी 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया, कोर करिकुलम और हायर करिकुलम। कोर करिकुलम जो है वो कंपलसरी है, चाहे वो मिडिल सेकेंडरी के बच्चे हैं चाहे हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं, दोनों सेकेंडरी वालों को ये कोर करिकुलम तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन जो हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं, जैसे कि +1, +2 के बच्चे हैं, उनके लिए कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। ये सब्जेक्ट्स हम देखेंगे कौन कौन से, इसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट जो है बच्चा ले सकता है, वो कंपलसरी है, लेकिन कौन से लेने हैं वो ऑप्शनल है, ठीक है, ये सिर्फ हायर स्टेज के लिए। सेकेंडरी जो नॉर्मल
नॉर्मल है 6 to 8 क्लास के बच्चे उनके लिए सिर्फ यही सब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या है कि लैंग्वेजेस स्पेशल जो है एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस मदर टंग और हिंदी एंड इंग्लिश, तो ये बच्चे को आनी चाहिए। फिर है सोशल स्टडी की बात की गई, जर्नल एजुकेशन, जर्नल साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, म्यूजिक, क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन, तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा जो ह्यूमैनिटीज़ है, साइंस है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, कमर्शियल सब्जेक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर हो गया, फाइन आर्ट्स और होम साइंस, इनमें से कोई भी तीन जो है बच्चा अपनी चॉइस से ले सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं और शुड बिगिन इन द सेकेंड ईयर ऑफ ए हाई स्कूल। जब सेकेंड ईयर हो हाई स्कूल का तब इसको स्टार्ट कर देना चाहिए। बहुत सारी बुक्स इसमें आपने देखा होगा कि टेक्स्ट बुक को अलग रिकमेंडेशन के अंदर लिखा गया है, लेकिन मैंने इसको करिकुलम के अंदर ही डाल दिया है कि टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए। आप चाहें तो इसको सेपरेटली भी एक सब हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक्स जो है वो कैसी होनी चाहिए ताकि डिफाइंड हो, लैंग्वेजेस जो हैं उसकी डिफाइंड हो, उसके पेपर्स जो हैं गुड क्वालिटी के हों, प्रिंटिंग और उसका फॉर्मेट अच्छी क्वालिटी का हो, फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं किए जाने चाहिए उसके अंदर, उसको डिस्करेज किया जाए, और टेक्स्ट बुक कमेटीज़ बनानी चाहिए जो कि फंड्स को प्रिपेयर करें, ठीक है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मेंटेन करना चाहिए बुक्स के स्टैंडर्ड्स को, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सेपरेटली भी अच्छे से और भी ज़्यादा इसको डिफाइंड वे में लिख सकते हैं। फिर है हमारे पास, इन्होंने मेथड ऑफ टीचिंग सजेस्ट किए कि सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर कैसे मैथड्स होने चाहिए। डायनेमिक और साइंटिफिक मैथड होने चाहिए, एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेटिव मैथड्स होने चाहिए, ऐसे मैथड होने चाहिए जो कि इंडिविजुअल चाइल्ड के अकॉर्डिंग हो, उसकी कैपेसिटी एबिलिटी उसकी लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। बेस्ड होने चाहिए रियल लाइफ एग्जांपल्स के ऊपर और डेवलप करें किस चीज़ को, क्लियर थिंकिंग और एक्सप्रेशन को। तो इस तरह से हमारे जो है टीचिंग मेथड्स होने चाहिए। अब हमारे पास एजुकेशन करैक्टर, इस कमीशन ने करैक्टर एजुकेशन की बात करी और इन्होंने एम भी सजेस्ट करा था कि सेकेंडरी एजुकेशन का जो एम है वो क्या होना चाहिए, टू प्रोड्यूस द आइडियल सिटीजन, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप और टू डेवलप दी ह्यूमन वर्च्यूज, ठीक है, और कैपेसिटी ऑफ वोकेशनलाइजेशन। और उन्होंने फोकस किया इसके थ्रू एजुकेशन करैक्टर के ऊपर, डिसिप्लिन जो होना चाहिए बच्चे के अंदर आना चाहिए और रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, मॉरल वैल्यूज आए, ये कब हो सकता है जब उसको रेगुलर इसके ऊपर टीचिंग दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी रिकमेंडेशन दी। फिर हमारे पास गाइडेंस एंड द काउंसलिंग, ये हमें पता है कि बच्चों को काउंसलिंग करने के लिए कि वो आगे क्या लें, कौन से सब्जेक्ट्स लें, ठीक है, कौन सा बच्चा वीक है, उसके लिए क्या चीज़ अच्छी है, तो उस तरह की गाइडेंस के लिए उन्होंने कहा कि ट्रेन ग्रेजुएट ऑफिसर्स होने चाहिए, ठीक है, मास्टर्स होने चाहिए जो कि अवेलेबल हों। और फिर है इन एवरी स्टेट एक ब्यूरो होना चाहिए एजुकेशनल गाइडेंस का, ताकि वह जाकर वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके बच्चे। और सेंट्रल रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी ऐसी गाइडेंस प्रिपेयर करनी चाहिए जो कि ऐसे पेपर प्रिपेयर करने चाहिए, टेस्ट प्रिपेयर करने चाहिए जो चेक कर सके बच्चे के लेवल और इंटरेस्ट को, ठीक है। फिर हमारे पास एजुकेशन और इवैल्यूएशन की बात करी कि इसके अंदर क्या सुधार करना चाहिए। सबसे पहले रिड्यूस करने चाहिए जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है जो बाहर से आ जाते हैं, और ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं वो मिनिमाइज करने चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि आज हमारे जो क्वेश्चन पेपर है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक सब कुछ ऐड किया जाता है, सिर्फ ऐसे टाइप क्वेश्चंस नहीं होते हैं। फिर है डिस्करेज किया जाए रोट लर्निंग को, इंटरनल जो टेस्ट्स हैं और अचीवमेंट रिकॉर्ड्स हैं उनको भी फाइनल इवैल्यूएशन के अंदर कंसिडर किया जाए। कमीशन ने एम्फेसाइज किया ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर, ठीक है, ताकि मार्क्स या परसेंटेज ना दिया जाए बच्चे का, किसको ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर डाला जाए ताकि बच्चे को जज ना किया जाए, और प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए रिकॉर्डिंग का, जो भी रिकॉर्ड है बच्चे का उसको मेंटेन किया जाना चाहिए। फिर इस कमीशन ने फिजिकल वेलफेयर की भी बात की बच्चे की, कि प्रॉपर ऑर्गेनाइज स्कूल मेडिकल सर्विस होनी चाहिए स्कूल्स के अंदर, उनके इसको एग्जामिन किया जाना चाहिए और फिर उसका जो फॉलोअप ट्रीटमेंट है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज से, जो फिजिकल हमारी एक्सरसाइज होती है उसकी बहुत टीचर और स्टूडेंट दोनों को, और प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए स्कूल्स के अंदर, और फुल रिकॉर्ड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज स्कूल के अंदर की जा रही हैं उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। अब हमारे पास इम्प्रूवमेंट ऑफ ए टीचिंग पर्सनल, इसके अंदर हम बात करेंगे कि क्या प्रोसीजर है उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, मतलब उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है टीचर्स का वो कैसे होना चाहिए, ट्रेनिंग उनकी कैसे होनी चाहिए, और थर्ड जो बात की गई है कि वेकेशन उनके वर्किंग आवर्स कैसे होने चाहिए। तो वो तीनों चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले कि प्रोसीजर क्या होना चाहिए उनको सिलेक्ट करने का, एक डिफाइंड प्रोसीजर होना चाहिए, यूनिफॉर्म प्रोसीजर होना चाहिए, जैसे कि हाई स्कूल की टीचर है शुड बी ग्रेजुएट होनी चाहिए विद द डिग्री, ठीक है, ये नेसेसरी ट्रेनिंग उसके पास होनी चाहिए। फिर रिव्यू करना चाहिए उनके पे स्केल को भी। फिर है हमारे पास उनके वेकेशन, वेकेशन है यहाँ पे,
ठीक है, वेकेशन आवर्स जो है वो कैसे होने चाहिए और वर्किंग आवर्स क्या है, वर्किंग डेज क्या है. वर्किंग डेज जो है वो लेस देन नहीं होने चाहिए 200 डेज से, और वर्किंग आवर्स जो है वो 45 मिनट ईच पीरियड होने चाहिए, और जो पीरियड्स है वीक के अंदर वो 35 पीरियड्स होने चाहिए, और 6 डेज जो होने चाहिए एक वीक के अंदर, और वन ऑफ द डे जो होना चाहिए जिसमें बच्चे जो है इनफॉर्मली मिले. फॉर्मली मिलने की ज़रूरत नहीं है, जो टीचर और स्टूडेंट है इनफॉर्मली मिल सकते हैं. और उनकी जो वेकेशंस हैं वो कैसी होनी चाहिए, जैसे कि 2 मंथ की समर वेकेशन तो होती हैं, इसके अलावा वो ब्रेक ले सकते हैं 10 to 15 डेज के बाद. ठीक है, 2 ब्रेक्स ले सकते हैं. फिर है टीचिंग ट्रेनिंग की बात की गई है कि डिफरेंट टीचिंग ट्रेनिंग जो है उसके लिए इंस्टीट्यूशन और कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करने चाहिए उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग. मान लो कि टीचर के पास बीएड है तो 1 ईयर की ट्रेनिंग हो गई, अगर उसके पास नहीं है या एमएससी है तो 2 ईयर की हो गई, ग्रेजुएशन है तो मंथ्स की होगी या ईयर्स की होगी, तो उस हिसाब से उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है टीचिंग टीचर जो है उसको ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाए. अब हमारे पास प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर 2 प्रॉब्लम्स की बात करेंगे कि इंस्पेक्शन कैसे होनी चाहिए और मैनेजमेंट और कंडीशन क्या होनी चाहिए रिकग्नाइज करने की स्कूल को. तो सबसे पहले हमारे पास इंस्पेक्शन, इसके लिए क्या है, वो कहते हैं कि स्पेशल इंस्पेक्टर या 10 ईयर टीचर्स एक्सपीरियंस जिसके पास है, हेड मिनिस्टर्स और डायरेक्टर्स जो हैं वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं स्कूल की एक्टिविटीज़ को. और इसमें 2 तरह की एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक ड्यूटीज़. ठीक है, फिर है हमारे पास जो मैनेजमेंट प्रॉब्लम जो आती है वो एक स्कूल के अंदर उसको मान्यता देने की आती है, रिकग्निशन देने की आती है, तो उसके लिए क्या मैनेजमेंट और कंडीशंस होनी चाहिए. सबसे पहले कि जो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको मेंटेन करना, और एक मैनेजमेंट बोर्ड है वो रजिस्टर करना. ठीक है, जो मैनेजमेंट टीम होती है वो रजिस्टर होनी चाहिए स्कूल के अंदर, ताकि वो डिफाइंड रूल बना सके, चीज़ों को देख सके कि क्या फैसिलिटीज़ की नीड है, कितने वर्किंग आवर्स होने चाहिए, नंबर ऑफ टीचर कितने होने चाहिए, ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करनी है. तो जब ये सब चीज़ें डिफाइंड होंगी तो ऑटोमेटिकली स्कूल को मान्यता ईजिली जो है वो मिल सकती है. फिर हमारे पास फाइनेंस की जो भी रिकमेंडेशन है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए फंड्स चाहिए, वो आपस में कौन डिवाइड करेंगे, सेंटर और स्टेट मिलकर देंगे. इसके अलावा जो फंड्स हैं रिलीजियस और चैरिटेबल डिपार्टमेंट्स के फंड्स हैं वो भी डाइवर्ट कर दिए जाएँ एजुकेशन पर्पज़ के लिए. और जो स्टेट और सेंटर है वो जो लैंड लेंगे स्कूल के लिए वो विदाउट टैक्स होनी चाहिए, मतलब स्टेट और सेंटर जो उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएं. और इसके अलावा जो भी रिवेन्यू है वो नेशनलाइज्ड इंडस्ट्री जैसे कि रेलवे, पोस्ट ऑफिस, वो टेक्निकल एजुकेशन की प्रमोशन के लिए पैसे दे सकते हैं. ठीक है, उनके भी जो फंड्स होते हैं उनको भी थोड़ा डाइवर्ट किया जा सकता है टेक्निकल एजुकेशन के लिए. इसके अलावा बहुत सारे जो फंड्स हैं वो आपस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट के फंड्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगे, सेंटर के अलग और स्टेट के अलग. अब हमारे पास मेरिट्स क्या रही इस कमीशन की, तो सबसे पहले इसने प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट किया कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है सेकेंडरी एजुकेशन की, फिर उसने रेमेडीज़ भी सजेस्ट की. फिर है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की मल्टीपर्पज़ स्कूल के ऊपर स्ट्रेस दिया, और इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया हमारे इंडिया के अंदर, और फोकस किया गया चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के ऊपर, इम्प्रूवमेंट ऑफ ए टीचिंग मैथड और गाइडेंस और काउंसलिंग के ऊपर फोकस किया गया, नो मोर स्ट्रेस ऑन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन. आप कोई भी रिकमेंडेशन को भी इसके एज ए मेरिट के अंदर लिख सकते हैं. फिर है हमारे पास डीमेरिट्स. फिर हमारे पास नो सजेशन रिगार्डिंग दी वुमेन एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन की थोड़ी सी बात इन्होंने करी थी कि होम साइंस प्रोवाइड करनी चाहिए, सेपरेट स्कूल या को स्कूल्स जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, लेकिन वीमेन एजुकेशन की इन्होंने बात नहीं करी. इसके बाद है ओवर बर्डन ऑफ ए डाइवर्स जो करिकुलम है, उन्होंने क्या कहा कि उसको ज़्यादा बढ़ा दिया. फिर है नो सजेशन फॉर दी बैकवर्ड सेक्शन, जो अदर बैकवर्ड सेक्शन है जैसे कि एससी है, एसटी है, उसके बारे में कोई बात नहीं करी. स्ट्रक्चर ऑफ ए सेकेंडरी एजुकेशन वॉज पुअर, जो स्ट्रक्चर बनाया इन्होंने कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है उसके कोई सजेशन नहीं थे, सिर्फ एक ढांचा उन्होंने बना के दे दिया कि ये कर सकते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई प्रोसीजर नहीं था. स्टिल स्ट्रेस ऑन द इंग्लिश, इंग्लिश के ऊपर फिर भी स्ट्रेस ज़्यादा दिया इस कमीशन ने एट कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस. तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, कीप वॉचिंग दिस चैनल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी.